लाखा सरदार जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। सुनो लाखा सरदार जी, अरे क्या कहूं, किस दम सुनो सरदार जी। इस समय जो पहले हम लूट कर धन लाए थे वो सब खत्म हो गया। इस समय हम एक बीड़ी के लिए तरस रहे हैं। इस समय अपने पास कोई भी धन एक पैसा बचा नहीं, सब खत्म हो गया सरदार जी। लखा देखा, शेरा कह रहा है कि जो हम लोग आज के पांचवें दिन जोधपुर में डकैती डाला था, जो माल हम लोग लेकर आए थे वो खत्म हो गया है। एक पीढ़ी के लिए हम लोग कंगाल हो गए। साखा मेरे यार। हाँ बोल। टेंशन नहीं लेने का है। ये लाखा जीवित रहेगा, अपने साथियों को भूखा कभी मरने नहीं देगा। शेरो, तो करना क्या है? शेरो बोलो सरदार जी। जाओ पहले रम की बोतल लेके आओ, और उसके साथ साथ एक नाचने वाली को लेके आओ। आज हम सभी का दिल बहलाएंगे, फिर उसके बाद हम आगे का प्लान बनाएंगे कि हमें करना का है। ठीक है सरदार जी, हम लेके आते हैं तुरंत। सखा मेरे यार, आज नाच गाने का सुनने का है। सरदार जी, अरे जरा जल्दी पकड़ो, ये साली गरम है, एकदम जल रही है। अभी इसी गांव में बन रही थी, हमने पूरा मटका सीधा उठा लिया। ये पासीदार हुआ है, पागल हो रहा क्या? पासी दारू? अरे दारू कोई भी बना सकता है, कोई पासी ही बना सकता है क्या? नहीं, कोरी दारू नहीं है। जवान संभाल के, कोरी या पासी जात की बात मत करो। अरे कोई भी बना सकता है दारू। कामबेट कहे कोरी भी दारू नहीं है, पासी दारू। सरदार जी, नाचने वाली भी मौजूद है। आओ आओ मुन्नी भाई, आज तुम लोगों को जानती हो हम लोग क्यों याद किए हैं? क्यों याद किए सरदार जी? आज हमारे दोस्त लाखा का इच्छा है कि आज तुम लोग अपने मुखारविंद द्वारा कुछ गीत प्रस्तुत करो। क्यों नहीं सरदार जी? सरदार जी आपकी खिदमत में पेश है ये मुन्नी भाई, आपको मुझे जरूर सुनाएगी सरदार जी। ठीक है सुनो। ठीक है सरदार जी। अरे पीले पीले अमर राजा, पीले पीले ओ रानी, पीले पीले अमर राजा, पीले
बरसाती दादा रहुआ लालगंज, ये 10 रुपए का इनाम। और दादा मांग रहे गाना, कहे सगरो दहिया गहनवा गढ़ावे परी। दादा के लिए कहीं ना, हमारे सरदार जी के लिए भी गाना चल रहा है। हाँ, कहे दादा बीच में तुम ले और ठंडी निकल जाओ। ए भाई, दादा की भी इच्छा को पूरी। ठीक है, मगर दादा के लिए हमारे इसी अंदाज में कहना क्या है, कहना क्या है सरदार जी, लेकिन कैसे सरदार जी, दादाजी के लिए कहना क्या है। अरे पंजाब की बोतल में, पंजाब की बोतल में कश्मीर का पानी है। जो पीले इसे बूढ़ा, हे दादाजी हमारे सरदार जी की तरफ से आगे ले कह रहे हैं। जो पीले इसे बूढ़ा, जो पीले इसे बूढ़ा, चढ़िए मेला हेलो सरदार जी, मुन्नी भाई क्या है सरदार जी के लिए गीत सरदार जी हमारे। अच्छा, बढ़िया मुजरा सुनाई हो। अगर हमारे सरदार जी खांसी हो गए ए छोटा, लेकिन मुन्नी भाई छोटू एक काम करो। क्या जी सरदार जी? तुम लोग अपने कोठे पे जाओ। अच्छा,
तुम्हारा इनाम तुम्हारे कोठे पर पहुंच जाएगा। ठीक है सरदार जी, लेकिन चलते चलते कहना क्या है सरदार जी, तबायफ कहा ये हुई ना बात, तबायफ कहा किसी के साथ मोहब्बत करती है मगर जब करती है हेलो 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 आगे नन्हे लाल प्रधान यही है गांव जान लियो, कह रहे हैं दस रुपए के नाम कहे गांव भरे में बताओ वोट अगर हमका न दे तो जितना खरिंजा सब उखड़वाऊ दिए। म्यूजिक रेडी रहे। ए दोस्त लाखा, आज 5 दिन हो गया हम लोग कहीं पे जाकर डकैती नहीं डाले। हमारी इच्छा है कि आज रात हम कहीं ना कहीं चलकर किसी के घर में डकैती। सोफा मेरे यार, आज रात भर आराम करो, अपने सुना हूं आसाम रियासत में महाराज यशपाल बहुत धन दौलत वाला है। हमने भी सुना है कि आसाम मुल्क में महाराज यशपाल सिंह बहुत धन दौलत वाला है। सब साथियों को सही रात भर आराम करो और कुछ गोला बारूद कसेरु इंतजाम करो। ठीक है सरदार। सुबह होते ही हम सभी साथ में माँ दुर्गा का मंदिर जो है उसी के पीछे अपनी जो चट्टान ऊंची पहाड़ी है वहीं पे हम सब साथियों सहित मिलेंगे। ठीक है सरदार। ये सखा, डकैती डालने से पहले महाराज जसपाल सिंह को एक खत भेज दिया जाए। सही, क्योंकि हमारे इस बीघर के नियम और कानून है कि जिस जगह पर हम लोग डकैती डालने का प्लान करते हैं सबसे पहले उसके घर उसके लिए एक पत्र भेज। सही कहते हो शेरो। बोलो सरदार जी, का देरी करते हो, और एक कॉपी लेकर आओ। महाराज यशवंत सिंह के नाम खत भेज दो ताकि वो भी होशियार हो जाए। हम कायर नहीं हैं, हम शेर हैं। हे लखा, बैठ। हम बताते हैं कि खत में लिखना क्या है। लेकर आओ कलम और कॉपी, आ रहे हैं। शेरू, बोलो सरदार जी, ले आए हो कलम कॉपी? मौजूद है सब, जितना मैं बोलता हूँ उतना लिखते जाओ। फूटते रहिए, लिखो। महाराज यशपाल सिंह आपको मालूम हो, महाराज यशपाल सिंह आपको मालूम हो कि कल रात, कल रात आपके महल में डकैती डाली जाएगी। आपके महल में डकैती डाली जाएगी। जितनी पुलिस फोर्स अपनी हिफाजत के लिए लगवाना है लगवा ले। जितनी पुलिस फोर्स अपनी हिफाजत के लिए लगवाना हो आप डाकू लाखा और शाखा से। डाकू लाखा और शाखा से कोई गुप्तचर के जरिए महाराज यशपाल सिंह के दरबार
ये लेटर भेजवा दिया जाए। ठीक है सरदार जी, अभी हम भेजेंगे। चलो साथियों हम अड्डे पे चल कर अभी इसी वक्त राजा यशपाल के दरबार में इसे भेज दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, आओ चलते हैं। चलो जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय भर भवानी, जय भर भवानी। कार मवाकी लगी है का भन भनानी। अरे का है नालायक, जय मां भवानी। तो मैं भेद बोल रहा हूँ, जय मां भन भनानी, जय मां भवानी। भोली थी नहीं चमारिन ठकुर मौसी कहा है कारे माता रे कुटौने पिसौने कर बेटवा के दुर्गा थी ना। आओ हमारे साथ। जय मां भवानी, जय मां भवानी।